अक्सर नौजवानों की ये शिकायत होती है कि पाकिस्तान के अंदर गेमों को खेल को फरोग नहीं दिया जाता। गेम है ओवरवॉच, उसका एक कैरेक्टर है ब्रिगिटे, वो बने हुए हैं इस वक्त। आप क्या एंजल बनी हुई हैं, प्रिंसेस बनी हुई, क्या बनी हुई? कोलंबिना फ्रॉम गेंशन इंपैक्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का आज फ्रेम देखकर बड़े हैरान हो गए होंगे। अक्सर नौजवानों की ये शिकायत होती है कि पाकिस्तान के अंदर गेमों को खेल को फ़रोग नहीं दिया जाता, सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान दिया जाता है और जितनी भी मतलब कि गेमें जो है वो इंडोर गेम्स हैं जो कंप्यूटर्स पर या मोबाइल पर खेली जाती है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन आज लाहौर एक्सपो के अंदर IGSPR की जानिब से इन तमाम गेमों को फ़रोग दिया जा रहा है। हमारे साथ ऐसे एक भाई मौजूद हैं जो गेम के करेक्टर बने हुए हैं, इनसे चलते हैं बातचीत करते हैं कि किस गेम के कौन से करेक्टर बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत। पहले ये बताएं, पर्पल कलर के आप हुए हुए हैं जी, तो कौन सा करेक्टर बने हुए हैं? सर ये एक गेम है ओवरवॉच, उसका एक करेक्टर है ब्रिगिटे, वो बने हुए हैं इस वक्त। वो बने हुए? हाँ जी। अच्छा, तो ये करेक्टर उसमें क्या करता है, क्या काम है? इसका काम है कि जो विलन है ये हीरो ही है, इसका काम है कि जो सारे मार रहे हैं उसने डैमेज लेनी है, बस बाकियों को बचाना है अपने साथियों को। जी, आपका एक हथियार जो करेक्टर का हथियार जो मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है, तो ये इसका क्या काम? इसका सर खोलना। अच्छा, ये ऊपर को कौन आइसक्रीम भी बनी हुई है? हाँ जी, ये दांत था, पेंट करना रह गया इस पर। ये दांत है? हाँ जी। अच्छा जी, हाँ जी। तो क्या समझते हैं कि आप ये गेम खेलते होते हैं, खुद भी खेलते हैं? हाँ जी, मैंने इसमें बड़ा टाइम दिया इस गेम को और वो बहुत टाइम ज़्यादा भी किया इस पर। अच्छा, हमारे यहाँ ज़ाहिर है घरों में भी पहले तो सबसे पहली बात है वो समझा जाता है कि गेम खेल रहे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो लेकिन बाहर के ममालिक में देखा जाए तो उस चीज़ से वो अच्छा अर्न भी कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को फ़रोग मिली चाहिए? फ़रोग हर चीज़ को देखें, हर चीज़ ना मियाना रवि में अच्छी लगती है। आप खेलें लेकिन एक हद तक खेलें तो कोई किसी का नुकसान नहीं है इस चीज़ से। अगर आपको लगता है आप इसे फ्यूचर बना सकते हैं तो ज़रूर बनाएं, लेकिन हर ये भी ध्यान रखना होता है कि हर किसी का फ्यूचर हर चीज़ में नहीं होता, तो आप एक इसको हॉबी लेके चलें, अगर आपको नज़र आता है कि आपका इसमें फ्यूचर है तो गो फॉर इट, वरना कोई ज़रूरी भी नहीं है। अच्छा, अब जाहिर है अब लोग जहाँ से देखेंगे तो अपने वालदैन को वो दिखाएंगे कि ये देखें जी ये फलां बंदा गेम खेल के इतना अर्न कर रहा है, इतना कर रहा है, आपने भी कुछ अर्न किया? सर मेरा जो अपना कारोबार ऐसा है कि गेम से नहीं, मेरा कोई फ्यूचर नहीं, नहीं 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 मेरा इसमें कोई ऐसा कभी इसको करियर बनाने की सोच कोशिश ही नहीं की, इंटरेस्ट ही नहीं था। आपका इंटरेस्ट नहीं? बस एज अ इसको टाइम पास हॉबी के तौर पर रखा। कितनी देर आप खेलते थे? दिन में तकरीबन 2-3 घंटे लग ही जाते थे इस पर। 3 घंटे? आप 2 से 3 घंटे? हाँ, साथ साथ आपने पढ़ाई भी? हाँ हाँ जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, ऐसे ही मेरे ख्याल में और भी गेमों को जो है फ़रोग मिलना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। ज़ाहिर है क्रिकेट के अलावा भी एक और भी यहाँ पर करेक्टर मतलब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ऊँचा बोलना, ऊँचा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक ठाक। कौन सा करेक्टर बने हुए हैं आप? मैं जी स्पॉन करेक्टर रहते हैं। कौन सा करेक्टर? स्पॉन। वो क्या करता है, कौन सी गेम है, क्या गेम है? बेसिकली मॉर्टल कॉम्बैट 11 के अंदर एक इनका DLC के तौर के ऊपर लॉन्च किया गया था, अदरवाइज स्पॉन का अपना एक पूरा यूनिवर्स एंड प्रॉपर डेडिकेटेड कॉमिक है। ये गेम आपने खुद भी खेली है कि पैसे मिलने हैं कपड़े पहनने? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं मैं मॉर्टल कॉम्बैट की सारी गेम्स खेल चुका हूँ, 1 भी मैं खेल चुका हूँ, करंट भी खेल रहा हूँ। अच्छा, तो ये सिचुएशन है, करंटली ऑल्सो प्लेयर ऑफ द गेम। नहीं, आप विलन है या सुपर हीरो हैं? मैं बेसिकली ना ही विलन है ना ही ये सुपर हीरो है। अच्छा, तो सुपर हीरो के दोस्त हैं? नहीं नहीं, सुपर इनके वर्स के अंदर सुपर हीरो बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करता, जो गुड एंड ईवल होता है ये बंदा दोनों को ही खत्म कर देता है। ओके ओके ओके। जी नाज़रीन, ऐसे ही और भी यहाँ पर करेक्टर्स मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या एंजल बनी हुई हैं, प्रिंसेस बनी हुई, क्या बनी हुई? कोलंबिना फ्रॉम गेंशन इंपैक्ट। इट्स अ गेम करेक्टर। अच्छा, तो थोड़ा सा बताएं करेक्टर के बारे में। Character is very mysterious and very childish, at childlike, not childish, but mostly it is being said ke abhi ye silly hai, there's another breed like angels ki breed and stuff like that. Yeah, I don't play Genshin but I cosplay Genshin, so I am not very knowledgeable on this field. Aap samajhiye Pakistan mein in cheezon ko farogh milna chahiye, jis tarah milta nahi hai, sirf ek hi game cricket ko hi lekar har koi chal raha hai, तो क्रिकेट हो गया या इस तरह की गेम्स को भी चल रहा है, तो इस तरह की जो गेम्स हैं जो मोबाइल्स पे कंप्यूटर्स पे खेली जाती हैं इनको भी? या डेफिनेटली दे शुड बी प्रमोटेड, जैसे ये एक फेस्टिवल कर रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, इट शुड बी प्रमोटेड एंड प्रीटी मच अप्रिशिएटेड फॉर द कॉस्प्लेयर्स लाइक अस, वी अप्रिशिएट। पैगाम ही देंगे कि अब लोग ये ना हो कि सिर्फ गेमों की तरफ ही पलट जाएँ, बच्चे जो हैं वो सिर्फ कंप्यूटर पर बैठ के गेम ही खेलते रहे, साथ साथ अपना और भी करियर भी? गेमिंग में भी करियर होता है,
if they want to pursue that, then they should excel in that. If not, just pursue it as a hobby. That's all. जी बिल्कुल, जैसे हर शख्स डॉक्टर नहीं बन सकता या इंजीनियर नहीं बन सकता या बिल्डर या बिजनेसमैन नहीं बन सकता, ऐसे ही हर बच्चा जो है वो गेमर भी नहीं बन सकता। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक आदमी या एक बच्चा गेम में अच्छा अर्न कर रहा है तो दूसरा भी अच्छा अर्न कर रहे करे, आपको उसको हॉबी को लेकर भी चल सकते हैं। और मैं भी कहूँगा कि ऐसे जो इवेंट्स हैं वो और भी होने चाहिए, ताकि इस चीज़ को जो है पाकिस्तान के अंदर और ज़्यादा बेनिफिट हासिल हो सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।